नमस्कार ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी चैनल में मैं किरण आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बेकिंग सोडा और नींबू का रस चेहरे पर लगाने से क्या चमत्कारी असर आप देख सकते हैं इसके बारे में बताऊंगी। तो बेकिंग सोडा और नींबू के रस में क्या क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ। नींबू के रस में विटामिन सी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। विटामिन सी की वजह से हमारे स्किन पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ बेकिंग सोडा में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इन सब की मदद से चेहरे पर हम बहुत अच्छा रिजल्ट देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि नींबू के रस और बेकिंग सोडा की मदद से पिंपल्स, एक्ने, पिगमेंटेशन को हम किस तरह से बाय बाय बोल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम देखेंगे। पर दोस्तों, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला उपाय मैं आपको बताऊंगी पिंपल्स और एक्ने के लिए। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स, एक्ने हैं या फिर उनके मार्क्स है यानी दाग धब्बे हैं, तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। इसके लिए आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। एक चम्मच बेकिंग सोडा लीजिए और लगभग आधा चम्मच नींबू का रस लीजिए। दोनों को मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद इसे अपने पिंपल और एक्ने वाले जगह पर लगा लीजिए। 15 से 20 मिनटों के बाद ठंडे पानी से चेहरे को धो लीजिए। अगर आपको पिंपल और एक्ने बहुत ज़्यादा है तो इस उपाय को आप रोज़ाना भी कर सकते हैं या फिर हफ्ते में 2 से 3 बार। ऐसा करने से एक्ने, पिंपल आपके चले जाएंगे, साथ ही साथ आपके चेहरे पर जितने भी दाग धब्बे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपको बहुत ही अच्छा उपाय बताती हूँ रंग को निखारने के लिए। अगर आप धूप और धूल मिट्टी की मदद से बहुत ज़्यादा सांवले या काले हो गए हैं तो ये जो उपाय है आपके लिए सबसे बढ़िया है। आपको एक चम्मच नींबू का रस लेना है और एक चम्मच बेकिंग सोडा लेना है। दोनों को मिलाकर एक फेस मास्क बना लेना है। इसे अपने चेहरे पर लगाकर 15 से 20 मिनटों के लिए छोड़ देना है और उसके बाद अपने चेहरे को धो लेना है। नींबू में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए ये आपके चेहरे के जितनी भी कालापन है उसे ख़त्म करेगा। और बेकिंग सोडा में भी कुछ ऐसी स्किन के लिए प्रॉपर्टीज होती है जिसकी मदद से आपके चेहरे का रंगत निखर आएगा। इन दोनों को आप हफ्ते में 3 से 4 बार भी कर सकते हैं और आपके चेहरे में आप बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट देख पाएंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी ज़ाइयों के लिए यानी पिगमेंटेशन के लिए। आजकल बहुत सारे लोगों को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए उन्हें क्या करना चाहिए मैं बताती हूँ। आपको चाहिए एक चम्मच नींबू का रस और एक चम्मच बेकिंग सोडा। दोनों को अच्छे से मिलाकर अपने पिगमेंटेशन वाली जगह पर 15 से 20 मिनटों के लिए लगा लेना है और उसके बाद अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लेना है। हफ्ते में 2 से 3 बार इसे ज़रूर करें। धीरे धीरे जितनी भी ज़ाइया है या फिर पिगमेंटेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ चमत्कारी असर जो कि आप नींबू और बेकिंग सोडा चेहरे पर लगाने के बाद देख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मैं आपको मिलूँगी और एक ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।